देखो यार, एडवर्टाइजमेंट हो रही है मेरा ख्याल है ना। वेलकम टू कुआलालंपुर। यार ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैं कुआलालंपुर जो मेन सिटी है इनका, उसके पास में बैठा हुआ हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप ये टावर्स देख सकते हैं। ये भाई ये वो ट्विंस टावर हैं, ठीक है, जो बड़े मशहूर हैं यहाँ के। और यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी फाउंटेन्स जो है ना वो चल रही हैं, कितना खूबसूरत। और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता रात हो रही है और इन्होंने लाइटिंग्स पहले ही इसे ओपन कर दी हैं। ये देखें जब रात होनी है तो चेक करें कि कितना खूबसूरत मंज़र होना है। आंटी तू क्यों है, एम ही माता लाई जा रही है। यार गाइस फाइनली यार शुक्र है भाई, हमारी जो है ना ये ऑन सीन ओके हो गया स्कूटी पे। अब इंशाल्लाह आपको स्कूटी पे घुमाते हैं कि भाई आई एम वेरी एक्साइटेड। ये अब जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदल चला, उसके बाद जाके भाई कोई हमें जो है ना ये बड़ी मुश्किल से हमने इसको ओपन किया है, ठीक है, ऐप के थ्रू। तो अब जो है हम इंशाल्लाह स्कूटी पे घूमेंगे, साथ साथ आपको भी घुमाएंगे। तो जी हेलो गाइस, ये बेसिकली वो है टावर जहाँ पे हमने जाना था। इस टावर के बिल्कुल इस टाइम मैं बैक साइड पर खड़ा हूँ और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत से मनाजिर हैं। मोस्टली यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं कि देखें, यहाँ पे एक मुझे लगा ये छोटा सा एक पार्क है, लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत है। और मेरा ख्याल है कि रात को ना इसमें लाइट्स चलेंगी, तो जैसे फाउंटेन्स नहीं मतलब जस्ट लाइक मतलब फाउंटेन्स तो नहीं है, खैर मतलब लाइट्स वगैरह चलेंगी और यहाँ से जो है ना वो मतलब ट्रीज़ जो हैं रात को और ही खूबसूरती का मंज़र पेश करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि तकरीबन 6:30 के राउंड हो रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। और यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल है, शाम हो रही है और यहाँ पे जो मौसम है ना इस वक्त वो ठंडा होना शुरू हो गया है। सारा दिन बहुत गर्मी रही लेकिन अभी बारिश हुई है, दो दफ़ा बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौसम जो है ना वो ठंडा हो गया। अभी हमने जाना है इस टावर की फ्रंट साइड के ऊपर, ये ट्विन टावर है दोनों, यहाँ पर अभी जा रहे हैं हम। ये भी यार एडवर्टाइजमेंट हो रही है मेरा ख्याल है ना। आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, ये देखें भाई ये आ गया। वो यार मतलब सुभान अल्लाह यार, ये है भाई ट्विन टावर। ओए हो, सबसे मशहूर है यार ये, इसमें मलेशिया के अंदर मोस्ट मशहूर बंदा मशहूर है यार। ये आ गया भाई, वेलकम टू कुआलालंपुर। यार ये आप चेक करें भाई, ये एक्चुअली भाई कुआलालंपुर की पहचान है। ये है मलेशिया के अंदर ये बहुत ही फेमस ब्रिजेस, ये जो है ना दो टावर्स हैं, इन्हें बोलते हैं ट्विन टावर्स। खूबसूरत यार, वो देखे कितनी को हाइट है यार। ओए होए होए होए, नाइस वन यार, नाइस वन। तो ये क्या चल रहा है भाई, ओए होए यार, ये कोई थ्री डी एनिमेशन है, ये सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं 3D एनिमेशन से, क्या सॉरी ऐड चल रहे हैं। ये जी लेम्बागा एंड ये है जी कुआलालंपुर का ट्विन टावर। गाइस यार अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ना यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो ट्विन टावर है कुआलालंपुर का बहुत ही मशहूर, यहाँ पे फिलहाल हम पहुँचे हुए हैं। या मेरे बैकेंड पे देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, वो देखें एक ये टावर है और एक ये वाला टावर है। ये जो है वो बड़ा मशहूर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो टूरिस्ट आते हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे सारे दाएं बाएं सारे जो है ना वो टूरिस्ट खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत एरिया है। और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर बिल्डिंग्स ही हैं और लोग जो है ना काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं देखने के लिए, और हम लोग भी पहुँचे हुए हैं भाई पाकिस्तान से देखने के लिए। और आप लोगों के लिए भाई ये कंटेंट बना रहा हूँ मैं, तो जो लोग नहीं आ सकते वो मेरी वीडियो के ज़रिए यहाँ तक आ सकते हैं। इसके लिए भाई यू नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ है सुभान अल्लाह यार, देखें खूबसूरत मनाजिर हैं, ठीक है। यार ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैं कुआलालंपुर जो मेन सिटी है इनका, उसके पास में बैठा हुआ हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप ये टावर्स देख सकते हैं। ये भाई ये वो ट्विन टावर हैं, ठीक है, जो बड़े मशहूर हैं यहाँ के। और यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत सी फाउंटेन्स जो है ना वो चल रही हैं, कितना खूबसूरत। और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता रात हो रही है और इन्होंने लाइटिंग्स पहले ही इसे ओपन कर दी हैं। ये देखें जब रात होनी है तो चेक करें कि कितना खूबसूरत मंज़र होना है। आंटी तू क्यों है, एम ही माता लाई जा रही है। यार नो डाउट ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और हर चीज़ जो है यहाँ पे स्ट्रीम लाइन है,
ठीक है, और हर चीज़ जो है माशाल्लाह से बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। लेकिन स्टिल भाई मैं अपने मुल्क को मिस कर रहा हूँ यार, मतलब पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है यार। ये आप लोग भी इस बात को मानते हैं, हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, ठीक है, हमें चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें, ठीक है। अपने आप को हर वक्त आप वो डीमोरलाइज नहीं कर सकते कि और असी पाकिस्तान नहीं है साढ़े को अदर वे को है कि उधर वे को है, और भाई वही डैम के, ठीक है ना। पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तानी हमारी जान है, ठीक है। पाकिस्तानी अपने आप को बिल्कुल भी लूज़ कॉन्फिडेंस न किया करो, डीमोरलाइज न किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं वो पूरी दुनिया में किसी किसी के पास सलाहियतें नहीं हैं। वो अलहदा बात है कि हम उन सलाहियतों को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। नेगेटिविटी में हम लोग ज़्यादा जो है वो यानी कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, और उसमें जो है यानी कि हर चीज़ को हम दोनों तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब अब अगर हमारे लिए भी इसी तरह की सहूलियात होंगी तो भाई हम क्यों जाएंगे फिर, हम लोग क्यों फिर उल्टे काम करेंगे। तो मसला ये है कि यार हमारे पास सहूलियात उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो फिर इसी वजह से फिर हालांकि हमें चाहिए कि हम इसी पर सब्र करें और इसका कोई और हल निकालें, बजाय इसके कि हम लोग उल्टी तरफ जो है ना वो जाने लगे थे और उल्टे उल्टे जो है ना वो मतलब जुगाड़ूस वाला सीन करते हैं। तो कोशिश करें ऐसा ना करें यार, पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तान जैसी कौम पूरी दुनिया में नहीं। लेकिन यार एक बात जो मैंने नोट की है ना वो ये है कि यहाँ पे हर बंदे ने ना अपने काम से काम रखा हुआ है, हर बंदा अपने काम से काम रख के जाना यहाँ पे घूम रहा है। तो कोई किसी को वो नहीं है कि यार अपना कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देता, जो कोई जो मर्जी कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक समझने की एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि हमारे यहाँ होनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन इट्स ओके। ये देखें यार ये मंजर बिल्कुल गिल टावर के नीचे, मलेशिया में जो गिल टावर है बहुत ही मशहूर है उसके नीचे है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ बेसिकली नाइट लाइफ कि भाई रात में जो है वो लोग यहाँ पे किस तरह से चल फिर रहे होते हैं। वही यार वही चीज़ें हैं, कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। सिर्फ जो मैंने नोट किया यार ये लोग अपने आप में रहते हैं, बस जितने भी फॉरनर आ रहे हैं ना उनको बस इस तरह से ये लिफ्ट नहीं करवाते, बस जो अपने काम कर रहे हैं बस उसी कामों में लगे रहते हैं। अभी ये जो है ना ये सारे चाचे मुझे बैठ के देख रहे हैं और ये लेयर टाइमिंग कर रहे हैं, बेसिकली बैठ के गेट टुगेदर कर रहे हैं। और जिनने एक पीछे अपना चाचा बशीर सी ते एक चाचा साका सी ते होर भी जिन्ने भी तुहानू ना आंदे ने जिहड़ा ना तुसी ला सकते हो, चाचा जिहड़ा ना हुण बुढ़े हो गए ते बाहर आके बह जांदे ने। यार भी यार देखें यार मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यार गाइस इस तरह से कुछ मनाजिर होते हैं, ये आप देखें इस तरह से मनाजिर हैं रात के, ये जो है ना वो मनाजिर होते हैं। ये वो टावर था जो मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था, और ये आ गया जी भाई ट्विन टावर बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा था ना, एक ये टावर है एक ये टावर है। सो आप देखें इसको कि किस तरह खूबसूरती के साथ इन लोगों ने बनाया, और पता नहीं अब इसकी कितनी मंजिलें, आई डोंट नो कितनी मंजिलें हैं इसकी। और ये जो है ना वो रात में इस तरह के मनाजिर हैं। ये यार ये कोई टमीरियाँ मार रहा है ये बंदा जो है ना ये टंगीरियाँ मार रहा है और इसके पिक्चर्स खींचने की कोशिश कर रहा है। बाकी एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन दिस कंट्री माशाल्लाह, बहुत ही डिवेलप और ख़ूबसूरत कंट्री लगा हमें तो फ़िलहाल, और इंशाल्लाह वन डे पाकिस्तान विल बिकम इंशाल्लाह डेवलप कंट्री। हालात तो नहीं लग रहे लेकिन इंशाल्लाह होपफुली कुछ ना कुछ सीन हो ही जाएगा। ये मैंने आपको इस साइड से सारा चक्कर लगवा दिया है, और बस यही जो है ना वो मतलब रात को हसल बसल ज़्यादा हो जाती है मेनली जो है वो यहाँ पे लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। ट्रांसपोर्टेशन क्या बात है यार, हर जगह जगह पे लिंक है ट्रांसपोर्टेशन। भाई आपका भाई आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, और मैं इस वक्त जो है वो कुआलालंपुर की मेन जो अट्रैक्शन है उसके पास फिर रहा हूँ, और माशाल्लाह ये रात के मनाजिर हैं, देखो खूबसूरत रात के मनाजिर, और बहुत ही यानी कि समझते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे मनाजिर हैं। वाकई रियली जो अट्रैक्शन हैं वो वाकई यानी कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्शन हैं। दूसरी बात यह है कि भाई मैं जो मर्ज़ी बोल रहा हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से किसी को भी मेरी ज़बान नहीं आती।
क्या तो गाइज़ अब मैं जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। उमैर भाई को मैंने बिठाया हुआ वहाँ, क्योंकि उमैर भाई आप जो है वो काइंडली अपना वेट करें, आई एम जस्ट कमिंग। तो उमैर भाई वेट कर रहे हैं, ये सारी यहाँ पे बसेस वगैरह चढ़ी हैं। आप भाई अपने यहाँ पे केएल सेंटर आ गए थे, अब हमें जाना है अपने वापस अपने होटल। सो लेट्स सी कि हम बाय मोनोरेल जाते हैं, बाय अपना ट्रेन जाते हैं कि बाय बस जाते हैं कि बाय ग्रैब जाते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल, तो हम लोग आपको बताते हैं कि भाई हम किस तरीके से अभी हम जाएंगे। एक दफ़ा फिर यार हम अपने घर के लिए टिकट ले रहे हैं, घर घर से मुरा दे के जहाँ हमारा होटल है। हाँ ले लें, इधर आओ। लिटिल इंडिया के लिए भाई ये जा रही है केएल सेंट्रल, इसको यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद केएल सेंट्रल रेड वन ये जा रही है भाई, ये जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं इसको यार, ये अंदर ट्रेन का अंदर जो है ना ये उसके मनाजिर है, चाचा ही कर रहे हैं। चल भाई चाचा दो रुपए ले आते, फिर एक बार ये नाच के उखा दे। आपके पास है आपका? हाँ तो भाई ये टोकन डालो और दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। Now we are going to अपने मुकाम पे लिटिल इंडिया। भाई अब यहाँ से पता लगना है कि KLCC KJ10 पे जाना था ना, 15 पे ये तो बंद है इधर। ये है सेंटर रेड वन प्लेटफॉर्म टू कोटरा हाइट्स, ये है भाई। आज मैं प्लेटफॉर्म टू किधर है, वो आ गया इसे 10 प्लेटफॉर्म टू। हाँ ब्रो इधर ही है, इधर आ गया यहाँ से, ये यहाँ से इंशाल्लाह। लो भाई ट्रेन आ गई है और अब हम एंटर होंगे। गोरा भाई मेरे सामने खड़े हुए हैं, कैंची चप्पल पहन के कच्छा पहन के आ चल। अगर उसको मेरी जुबान आती हो तो ये क्या हरकत करेगा मेरे साथ। जी है भाई वो बिल्डिंग यार, वही यार बादल इसके अंदर आए हुए हैं यार, मतलब अखीर सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। ये बादल देखें, बादल इसके अंदर, मतलब ये बादलों के अंदर है, इतनी हाई ये जो है ना वो हाई बिल्डिंग है।